मैं रेनू दुबे अपने चैनल देसी किचन बाई रेनू डी पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये देखकर तो आपको समझ में ही आ ही गया होगा कि मैंने क्या बनाया है। अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए हम बता देते हैं आपको। दोस्तों, ये हमने मूँगफली की चाट बनाई है जो कि व्रत में खाई जाती है। तो हमने इसको कैसे बनाया है उसको हम बताएँ। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि हम जो भी नया वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम मूँगफली की चाट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद चाट होती है, तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको मूँगफली से एक रेसिपी बताएँगे। मूँगफली से चलिए हम आज व्रत में खाई जाने वाली बहुत ही टेस्टी चाट बनाएंगे मूँगफली से। इसके लिए देखिए, हमने मूँगफली को ले लिया है और अब हम चलते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए, हमने एक भगोना ले लिया है, इसमें हमने एक गिलास, बड़ी गिलास से पानी ऐड कर दिया है और इसको हमने गैस के ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। हमारा भगोना गैस के ऊपर अच्छे से हमने सेट कर दिया है और अब ये पानी गर्म हो रहा है। जैसा कि दोस्तों, मूँगफली को आपने भून के बहुत बार खाया होगा, क्या आपने कभी मूँगफली को उबाल के इस तरीके से बनाकर खाया है? नहीं खाया है तो हम बना रहे हैं। चलिए देखिए, अब इस पानी में हम मूँगफली को ऐड कर देंगे और ढक्कन ढक देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई करके इसको अच्छे से उबलने देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने मूँगफली को निकाल दिया है बाउल में। हमारी मूँगफली अब ठंडी हो गई है, मैंने इसको एक मिनट के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए। ये ठंडी हो चुकी है खूब बढ़िया। और अब इसमें हम सब्जियां मिलाएंगे जो कि हम इसमें ऐड करनी है, क्योंकि हम ये मूँगफली की चाट बना रहे हैं व्रत में खाई जाने वाली। तब इसमें हम सब्जियां ऐड कर देते हैं। तो देखिए, हमने इसमें ऐड करने के लिए एक टुकड़ा गाजर का बारीक टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी धनिया काट ली है, हरी मिर्च काट ली है। आप चाहें तो यहाँ पर काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, हम हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, हमने एक टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है इसको भी, और इसको भी हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम व्रत में खाया जाने वाला सीधा नमक लिया है हमने, इसको ऐड कर देंगे। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, उतना ही ऐड करना जिससे कि ज़्यादा ना हो। हम कितना बना रहे हैं उसके हिसाब से अपने हम नमक ऐड कर देंगे और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास और भी कोई सब्जी है जैसे कि खीरा हो आपके पास, तो आप खीरे भी डाल सकते हैं, क्योंकि खीरा भी व्रत में खाया जाता है, तो आप इसमें खीरा भी डाल सकते हैं। तो चलिए, हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, बनकर रेडी हो गई है मूँगफली की चाट हमारी, व्रत में खाई जाने वाली चाट। इस तरह से मूँगफली को जब आप उबाल कर बनाते हैं ना फ्रेंड्स, ये चाट तो बहुत ही फायदेमंद होती है। ये हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है और बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। तो इसको आप व्रत में इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए, और आपको कैसा लगा हमारा बताया हुआ तरीका हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए जिससे कि जब हम जो भी नया वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।